बात के कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं रायबरेली। हालांकि इनका ताल्लुक बछरावा विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा रहा है। इस बार जहां पहुंचे हैं वो है विक्रांत अकेला युवा नेता है, चित करेंगे इसे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी में इनका रहना और समाजवादी पार्टी में इनका शामिल होना, ये सब चीजों पर हम सवाल करेंगे। लेकिन एक मुख्य बात, विक्रांत अकेला 2013 में बहुत पॉपुलर हो गए। एक कांड ने इनको, जो लोगों से इनका मिलना जुलना और लोगों से मेल मिलाप है वो काफी चर्चा में रहा। रामलाल अकेला के पुत्र यानी पूर्व विधायक के पुत्र विक्रांत अभी कोई युवा हो रहा है, और लेकिन जब चलते हैं और जब बातचीत करते हैं तो लगता है कि सविनयता इनके साथ में झलक रहे, लेकिन इनको हिलाने और डिगाने में भी नहीं छूटते। हम बातचीत करेंगे रामलाल अकेला के पुत्र यानी पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के रामलाल अकेला रहे हैं उनके करेंगे, और ये भी बातचीत करेंगे कि जब पिता ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और फिर पकड़ा उस समय आपकी विचारधारा क्या रही और आप विचारधारा क्या अखिलेश के साथ या मुलायम के साथ, तो आखिर इसके प्रति इनके बयान क्या होंगे और वर्तमान बछरावा विधानसभा क्षेत्र की विकास की धुरी को कैसे बढ़ाएंगे। और एक प्रमुख प्रश्न इस समय जो कार्यकर्ता वहाँ का हक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी चाहे आम जनमानस हो, वो कार्यकर्ता या आम जनमानस से सोच रही है कि आखिर विकास, ये सवाल उनके मन में, ये सवाल उठते हैं। इन सारे सवालों के उत्तर के साथ हम बातचीत करेंगे युवा कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख बछरावा से विक्रांत अकेला से। बस कुछ देर, विक्रांत अकेला बछरावा ब्लॉक प्रमुख, कम उम्र में राजनीति में पदार्पण करने वाले विक्रांत अकेला से आज हम सीधी बात के माध्यम से बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी में शामिल विक्रांत अकेला जिस प्रकार से लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपने बर्ताव और स्वभाव के कारण जनता के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, वह उनकी चाल और उनकी ढाल निश्चित रूप से आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हम बातचीत करेंगे उनके राजनीतिक पदार्पण और राजनीतिक करियर के विषय पर। हम ये बातचीत भी करेंगे कि आखिर ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद में किन किन विषयों पर लगातार उन्होंने काम किया। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इतनी कम उम्र में लगातार काम करने से लेकर युवाओं के बीच उठक बैठक से जिस प्रकार से लोकप्रियता हासिल की है विक्रांत अकेला ने, ये बात तो साबित करती है कि विक्रांत अकेला कम उम्र में ज्यादा भागते और दौड़ते हुए नेता नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में विक्रांत अकेला अपनी लोकप्रियता कायम रख पाते हैं या नहीं, और रामलाल अकेला की खोई हुई ताजपोशी वापस दिला पाते हैं या नहीं। इन सब सवालों के साथ हम नए सवालों के साथ बातचीत करते हैं इस सीधी बात कार्यक्रम में विक्रांत अकेला से। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और बछराओं में जब आप नाम लेंगे तो नेताओं के नाम में एक युवा नेता आता है, नाम विक्रांत अकेला है। क्या है इनकी राजनीतिक मंशा और आकांक्षा और क्या है उद्देश्य? थोड़ी देर पहले आपने कुछ तस्वीरें देखी, आप समझ चुके होंगे कि विक्रांत अकेला क्या शख्स। हम बातचीत करते हैं विक्रांत से। विक्रांत जी आपको नमस्कार। विक्रांत जी, राजनीति में उतरने वाले लोगों के अंदर बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो सोचते हैं कि पद मिल जाए, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ये अमूमन ऐसी सोच होती है। आप जब राजनीति में आए, पिताजी विधायक रहे, दो बार विधायक रहे, लगातार उनका समाजवादी पार्टी में दमखम रहा, उनके भाषण संबोधन संप्रेषण को लोग देखते रहे, उनके साथ उनका काम करने का तरीका आंदोलन रहा, आपके काम करने का तरीका और राजनीति में आने के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। हमारे पिताजी आजीवन वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनको देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। मन में हमेशा जनभावना और गरीबों के प्रति उनका काम, उनकी आवाज़ उठाने के प्रति हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया। हम लोगों ने, हमारे पिताजी ने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाकर और क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उनकी आवाज़ उठाकर बुलंद करके आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो वो हम लोग के अंदर भी है कि गरीबों की आवाज़ उठाकर उनके उनके जन भावनाओं के जो सामाजिक काम है उनको करके हम लोग आगे बढ़े। राजनीति में उतरना और पिताजी के उद्देश्यों को लेकर चलना बात ठीक लगती है, लेकिन एक समय ये आता है कि जब आप समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, किसी और दल में चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर आप आते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी से हम लोग ने नहीं छोड़ा टिकट, भले राष्ट्रीय लोकदल से हमारे पिताजी को टिकट मिला लड़े, लेकिन हमारे पिताजी ने राष्ट्रीय लोकदल की भी सदस्यता नहीं ली, टिकट उन्हें मिला था, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी
ना कल छोड़ी थे ना आज छोड़े, कल भी समाजवादी पार्टी में थे और आज भी समाजवादी पार्टी में। अच्छा ये दल छोड़ना, आपने कहा कि सत्ता आप सामाजिक सौहार्द या सामाजिक नीतियों के लिए काम करना चाहते, समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उनको उठाना चाहते हैं। बात ये आती है कि अगर समाज के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो टिकट किसी और को दें ना दें, ना मिले सत्ता मिले ना मिले, इस पर क्यों भाग रहे थे? रालोद की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, जिसको टिकट मिली उसके साथ लग जाते। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी चूँकि समर्थित था, आपको उनके साथ लग जाना चाहिए था और उनको जिताना चाहिए था। ये दल बदलना सत्ता के लिए ठीक बात है? कभी कभी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। ये उत्तर ठीक है, आपने अब कार्यकर्ताओं पर थोप दी। नहीं नहीं थोप नहीं दिया, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, कार्यकर्ताओं की बात में लोग काम नहीं। अरे समाजवादी पार्टी ठीक क्यों लगती है? वहाँ तो पिता पुत्र का बड़ा घमासान एक समय था, पूरी चर्चा राष्ट्रीय चर्चा थी, और उसके बाद भी अब जब फूलपुर और गोरखपुर के नतीजे आए तब लगता है कि परिवार एक हो रहा है। अब उससे पहले भी यही था कि शिवपाल अलग जा रहे थे, मुलायम सिंह की भाषा अलग थी, अखिलेश की भाषा अलग थी। तो ये सब आपको लगता है ऐसे दल में रहना या ऐसे दल की विचारधारा समाजवादी हो सकती है? और उसी दल में आप हैं, उस समय भले सबकी भाषा अलग रहे लेकिन विचारधारा सबकी एक है ना। नेताजी का भी अलग हुए ना, हमारे अखिलेश भैया का भी अलग हुए। घर परिवार में थोड़ी बहुत लड़ाई आपके यहाँ भी होती होंगी, थोड़ी हमारे यहाँ भी होती होंगी। लड़ाई अगर सड़क पे आ जाए तमाशा बन जाता है? नहीं बिल्कुल तमाशा नहीं बना। देखिए बड़ी मजबूती से फूलपुर गोरखपुर के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत कराई है। अच्छा एक चीज, जब आप राजनीति में उतरे तो आपने कहा समाजवादी, ये 2013 का जब विषय अगर उठाया जाए, हालांकि ये बहुत पुरानी बात हो गई, 17-18 चल रहा है, बात बहुत पुरानी रहती है। आपके काम करने के तरीके का यही, अगर बात नहीं मानी तो उठाकर बुलडोजर चलवा दी? नहीं देखिए हम लोग का काम करने का तरीका अलग है। हम लोग देखिए किसी की आवाज़ बड़ी मजबूती से उठाने का प्रयास करते हैं, भले उसका परिणाम कुछ भी हो। बस वही 2013 का वही काम, हालांकि हम लोगों ने किसी की मदद की लेकिन अब परिणाम कुछ भी हो गया हो मीडिया की देन थी। नहीं मीडिया की क्या देन थी, आपने बुलडोजर चला के गिरवा दिया तो मीडिया उसमें क्या करेगा? मीडिया तो उठाएगा बात। नहीं बुलडोजर मैंने नहीं गिरवाया, पहली बात तो उनका था ही नहीं, जिन जो लोग दावा कर रहे थे उनका था ही नहीं, वो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। अच्छा बात ये है, दूसरी बात पर हमें क्या, एक बार आपने एक भाषण में कहा कि अगर खून का कतरा भी एक एक जाना पड़े या देना पड़े, क्या खून बंदूक इनके अलावा कुछ बढ़ेंगे तो यही सब चलेगा? अब आप हमें उदाहरण देते हैं, हमारे यहाँ महाराजन ब्लॉक पड़ता है, महाराजन तो वहाँ एक यादव परिवार है, तभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ रजिस्टर्ड जो नेता हैं उन्होंने उनके घर पर जाके गोली चलाई और उनका भाई एक घायल हो गया, तो हमने खुद स्वयं जाकर खून दिया उनको। हमारे बछरावा विकास खंड है, एक पासी बिरादरी की महिला है, उसको करंट लग गया था, तो हम पासी बिरादरी की महिला को हमने खून दिया, तो हमने गलत कहाँ बोला? नहीं खून देने का मतलब यहाँ खून और बंदूक में दबंगई की बात कर रहा था, आपने सदाचार में जोड़ दिया, लेकिन अच्छी बात है वो भी होना चाहिए, लेकिन वो भी वो लाइन ज़्यादा करीबी लगती है आपकी, दबंगई और फिर खून और लड़ाई और झगड़ा, फिर बात न मानना, फिर दूसरे तरीके से बात करना, क्या संवैधानिक तरीका यही है? देखिए दबंगई, देखिए दो तरह की है, एक दबंगई है कि हम 4-5 गाड़ियों से असलाह लेके लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों से वसूली की, एक तो दबंगई वो हो गई है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जैसे कमज़ोर की आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाते हैं, एक दबंगई वो हो गई है, तो हम लोग किसी कमज़ोर की आवाज़ बड़ी मजबूती से उठाने का प्रयास करते हैं, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो उसके बाद अगर लोग हमको दबंग कहते तो कोई दिक्कत नहीं है। यही बात कई लोग भी कहते हैं कि दबंगई अगर उस तरीके से हो जिसमें सामाजिक सौहार्द उत्पन्न हो तो दबंगई ठीक रहता है, कई लोग कहते हैं। चलो अगला प्रश्न मेरा आपसे, विक्रांत अकेला जब ब्लॉक प्रमुख बने कितने काम ऐसे करके दिखाए जो अब तक लंबित थे और कर दिखाए? देखिए जब से हम क्षेत्र पंचायत प्रमुख बने तब उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण क्षेत्र पंचायत का शायद ही कोई काम शुरू हो पाया। बछरावा में नहीं अन्य ब्लॉकों में भी स्थिति यही है, पहले GST उसके कारण काम रुका, फिर ऑनलाइन प्रक्रिया जो टेंडरिंग हो गई है उसके कारण काम रुका, और कोई अधिकारी रुक नहीं पाता हमारे यहाँ, हर महीने किसी न किसी वीडियो पर ट्रांसफर, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब आप पता करेंगे तो बहुत पुरजोर तरीके से हमारे यहाँ वसूली चल रही है, जो वो वीडियो वसूली नहीं दे पाता उसका ट्रांसफर हो जाता है, इस कारण से हमारे यहाँ काम बहुत धीरे गति से चल रहा है। खुलेआम कर रहे हैं? बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं, सबूत है हमारे पास। जैसे कहाँ पर क्या लगा, एक स्थिति बता दीजिए, एक सिनेरियो बता दीजिए, यहाँ पर ऐसे इस तरह वसूली होती है। अब आप थाने, आप कैमरा हटा के थाने में एक बार बैठ जाइए तो आपके भंगवा मंचो वाले वहाँ कितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 2-2, 5-5 सौ रुपये दलाली करने वहाँ थाने पहुँचते हैं। अच्छा
इस तरह का माहौल? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो हमारी विधायक जी से कल भी एक इंटरव्यू हमने लिया था, उस दौरान उन्होंने 10-12 काम गिनाए, उन्होंने कहा कि ठीक चल रहा है, माहौल शांतिपूर्ण है, गुंडागर्दी से मुक्त है, तनाव मुक्त है, गुंडे भाग गए हैं बछरावा से, ये सब बातों पर आप क्या कहना? बछरावा विधानसभा में गुंडे थे ही नहीं कभी, बछरावा विधानसभा में हमेशा शांतिपूर्वक माहौल बछरावा विधानसभा में रहा, कभी कोई दबंगई गुंडे वाला माहौल बछरावा विधानसभा में। विकास तो कह रहे हैं काफ़ी करा दिया, कहा कि मोरावा रोड आप देख लीजिए, मोरावा बछरावा रोड आप देख लीजिए, आप यहाँ मोरा महाराजगंज की तरफ व्यवस्था देख लीजिए, सिंहगढ़ के नीचे जो पुल है उसके नीचे जो कचरा भरा है तो साफ सफाई देख लीजिए, तमाम बातें इन्होंने गिनाई, आप ये कहना है इसका? बछरावा मोरावा मार्ग समाजवादी पार्टी की सरकार में 40 करोड़ रुपये हमारे पिताजी अवमुक्त कराया था, राय बछरावा महाराजगंज मार्ग भी समाजवादी पार्टी की देन है, बछरावा सिंहगढ़ मार्ग भी समाजवादी पार्टी की देन है, हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, तब उनसे पूछे कि आपने अपनी विधायक निधि से कौन सा काम करा दिया, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल के अंदर बछरावा विधानसभा में कौन सा काम करा दिया? बिल्कुल, ये बस सवाल तो बनता है, लेकिन इतने काम आपने बताए, ये मोरावा से बछरावा वाली रोड, ये भी आपके कार्यकाल? ये समाजवादी पार्टी की सरकार की सड़क है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पैसा उन्होंने नहीं अवमुक्त कराया, इसलिए काम देरी से हुआ, उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बन गई होती। अच्छा, इतना काम आपने कराया लेकिन फिर भी आप चुनाव हार गए, उसका कारण क्या बताया? अब कारण क्या बताया, देखिए हम मुख्य कारण देखिए, हमारे पिताजी का लक्ष्य रहता है कि विकास कराया जाए, ताकि जिसके लिए हमें कुर्सी मिली है कम से कम उसका हक हम लोग अदा करें, अब जनता का मन है जो जनता का मन, लेकिन हारने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? रालोद में जाना मुख्य कारण है, समाजवादी पार्टी का बिखराव मुख्य कारण था, या टिकट वितरण में जो बदली कर दी गई, परिवर्तित कर दी गई, वो मुख्य कारण था आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से हो सकता है टिकट को लेके जो सामंजस्य नहीं बन पाया, उसकी वजह से एक कारण हो सकता है। अच्छा विक्रांत जी, आप सोचते होंगे ना कि मुझे आई हैव टू डू दिस, मुझे अभी करना अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के, वो क्या है आपके मन में कि मैं अगर अभी अभी भी काम करूँगा तो मुझे ये करना है, वो करके देखा? देखिए, हम लोग के अंदर एक सोच है कि हमारी बछरावा विधानसभा ऐसी विधानसभा बने कि रायबरेली जनपद में नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में बछरावा विधानसभा का नाम विकास कार्य में सबसे आगे होना चाहिए, ये हम लोग की सोच है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके अनुसार तो छोटा से छोटा व्यक्ति जो है बड़ा नाखुश है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, चाहे वो विपक्ष का जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो भी उस सक्रियता से ना आंदोलन, ना प्रदर्शन, ना सक्रियता से बात उठा पा रहा है जिस तरह से उठाना चाहिए, तो क्या लगता नहीं वहाँ की जनता बहुत नाखुश है इन सब विषयों को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका पूरी तरह अदा कर रही है, अभी एक ही साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे पिताजी ने 2-3 आंदोलन तहसील में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है जी, बड़े आंदोलन किया है। आने वाले समय में क्या लगता है कि जिस तरह से निचली व्यवस्था है, चाहे वो वीडियो के यहाँ हो, चाहे वो थाने में हो, जो आपने अगर जिक्र किया, तो वो निचली व्यवस्था कब तक ठीक होगी, आप लोग कब तक उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, और कब आप लोग बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, अगर अगर बढ़ेंगे भी तो किस तरीके से? देखिए, बड़ा आंदोलन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये सरकार ऐसी चल रही है कि उसमें बगैर आंदोलन के, क्योंकि वही सरकार है, धमाका करना जरूरी है, इसलिए आंदोलन तो हम लोग करेंगे ही, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश और बछरावा विधानसभा में कोई विकास का संभव है। अच्छा, जब आपकी जब आप लोगों ने चुनाव के दौरान बात आई कि चुनाव के दिन ही एक दो दिन चुनाव के वोटिंग के दिन पहले के आया कि ब्राह्मण के घर पर हमला कर दिया गया, उस तरह का माहौल क्या उसमें भी आप लोग सम्मिलित थे उसमें? नहीं नहीं, उसमें हम सम्मिलित थे। ये आरोप क्या ये माहौल बनाया गया था, ये वाकई में सही था? नहीं, हमें नहीं लगता सही था, उसका निश्चित बनाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और, कहीं बाहरी जब विधायक कभी चुनाव लड़ने आता है और चुनाव लड़ जाता है और फिर जीत जाए, क्या वह वहाँ की वातावरण को, वहाँ की ज़मीनी हकीकत तो समझ पाता है? क्या लगता है आपको कि राम नरेश बिल्कुल वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ की ज़मीनी हकीकत को, जैसे बिशनपुर एरिया की तरफ निकल जाइए, इधर आप बारह जिन तरफ निकल जाइए, सुगढ़ की तरफ निकल जाइए, क्या यहाँ की अव्यवस्थाओं को, चाहे वो इधर नीम टिकर की तरफ निकल जाइए, क्या यहाँ की अव्यवस्थाओं को या व्यवस्थाओं को राम नरेश रावत समझ पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, 12 मंकी से यहाँ पर चुनाव लड़ने आए, आप जब दोबारा उनका इंटरव्यू लेने जाइएगा तो उनसे केवल पूरी विधानसभा का नहीं, खाली पछड़ाव विकास खंड के गांव का नाम पूछ लीजिएगा, अगर वो बता ले जाए तो समझ जाएगी वातावरण वो रंग गए हैं जी, तो वो पूरे पछड़ाव विकास खंड के गांव के नाम नहीं गिना सकते, एक साल हो गया विधायक बने सरकार बने। अच्छा विक्रांत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के मन में आता है कि अब ये होगा, आपके मन में होगा ना कि मुझे इस पद के लिए अब आगे बढ़ना है, क्या पिताजी पुनः विधायक की तरफ, या आप कभी इसके तरफ भी बढ़ने की आकर्षित हैं? नहीं, पद की लालसा कभी नहीं रही, ना हमारी ना पिताजी की,
1992 से पिताजी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कई बार टिकट कटा, कोई पहली बार नहीं है। एक बार और सपा बसपा गठबंधन में सीट टिकट कटा, लेकिन वो टिकट कटने से हम लोग कभी मायूस नहीं होते। समाजवादी पार्टी के साथ थे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वार्षिक संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले जो 2019 का चुनाव है, मैं इस पर सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप युवा हैं और एक वहाँ के क्षेत्रीय, क्या लगता है आपको किस तरह की व्यवस्था है फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव में जो विजेता हासिल हुई उसको लेकर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 2019 के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा बंधा है वो ठीक से बंधेगा और आगे तक बढ़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं के कारण ही फूलपुर और गोरखपुर की जीत है। इन्होंने काम कुछ नहीं किया, झूठे वादे, जनता है सब कुछ जानती है। कब तक आप झूठ में, कब तक आप उसको झूठ के पाकड़ में फंसा के अपना काम करते ले जाएंगे? जनता है सब जानती है। और 2019 के चुनाव में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो हमें अब नहीं लगता कि कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं किया। नतीजे 2019 पे किसके पक्ष में जाएंगे, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे जाने वाले हैं। उसका मुख्य कारण सिर्फ आप लोगों का गठबंधन? नहीं, गठबंधन बिल्कुल नहीं, विकास कार्य। अखिलेश भैया ने उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश एक ऊंचाई पे गया है। उत्तर प्रदेश ने कई विकास कार्य माननीय अखिलेश भैया ने कराए हैं, तो विकास कार्य भी जीत का एक मुख्य कारण है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, एक संदेश, चूँकि नवरात्र है, एक संदेश आपकी तरफ से इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, चूँकि मैंने प्रश्नों शुरुआत से लेकर आते हैं कई किए, वो एक संदेश आपकी तरफ जनता के लिए कि वो माने कि हाँ विक्रांत एक संदेश दिया था उसको मान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और संदेश नहीं, हम लोग बस निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की, उस मंशा को हमें पूरी तरह विफल करना है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण हमें बना के देना है। इसकी शुरुआत हमें आपको सबको करना है। लगभग लगभग सारी बातें हुई और इन बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि विक्रांत अपनी सभ्यता के लिए जिसके लिए वो जाने जाते थे वो दिखाई दिए और शांतिपूर्ण तरीके से संयमता के साथ में उत्तर देने का प्रयास करें। पहले प्रश्न से आखिरी प्रश्न तक लगभग लगभग संयम बनाए ही रखे। खैर, इस सब इंटरव्यू से, इस पूरे सत्कार से आप समझ चुके होंगे कि विक्रांत का अगला और विक्रांत कैसा नेता और कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के लिए और समाज के लिए। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़।